नमस्कार, स्वागत है आपका किट्टू टिफ़िन में। और मैं आज बनाने जा रहा हूँ ढाबे वाली पनीर की रेसिपी, जो बहुत ही लाजवाब स्वाद के साथ ढाबों में परोसी जाती है। और सफ़र से थके हुए आदमी के लिए इतना सुंदर खाना और कोई हो नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं। ढाबे वाला पनीर बनाने के लिए हम 300 ग्राम पनीर के टुकड़े ले लेंगे। उसको बेसिक सीजनिंग करेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी के साथ। इस पनीर को अच्छे से मिलाएं एकदम। बेसिक से मसाले हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छे से मिक्स करें और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। एक कप प्याज को बारीक काट लें। गैस को ऑन करते हैं। तो हम ढाबा पनीर का मसाला बनाते हैं। मसाले के लिए हम लेंगे एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, थोड़े से लौंग, थोड़े से काली मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा लेंगे, हल्का सा नमक डालेंगे और इनको हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। मसालों को जलाना नहीं है, बस इनकी नमी को हमें बाहर निकालना है मसालों से। इसमें एक छोटा सा जावित्री का फूल ऐड करेंगे। ये वो बेसिक मसाले की मोनोपोली है जो ढाबों के किसी भी ढाबा मसाला रेसिपी, अंडा मसाला हो, चिकन मसाला हो, सब में यूज की जाती है। अब कढ़ाई चढ़ाते हैं और इसमें डालेंगे तेल 2-3 टेबल स्पून। और गुनगुनी होने पे, लो मीडियम फ्लेम पे हम अपने मैरिनेट किए हुए पनीर को तल लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, 30-40 सेकेंड एक साइड से बहुत है। हल्का सा मुलायम करना है, पनीर को पका के जलाना नहीं है। जी, वो मसाला ही है ढाबे वाले खाने में, जो आपको सफ़र से थक के आने पे हाईवे पे मिलने वाले उन ढाबों में, आपकी भूख को भी मिटाता है और आपको रिफ्रेश भी करता है। वो उन मसालों का ही जादू है। 30-40 सेकंड के बाद अपने पनीर को आराम से पलट लें। धीरे धीरे पनीर को हर साइड से 30-40 सेकंड से ज़्यादा फ्राई न करें। 2 मिनट में हल्की आंच पे आराम से पनीर को सेक लें। पनीर हमारा सेक गया, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हम थोड़ा सा जीरा मिलाएंगे। जीरे को अच्छे से क्रैकल होने दें। 2-3 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, इनको थोड़ा सा भूने, ज़्यादा नहीं भूनना, इनको थोड़ा सा भूनना, जैसे अपना सार ये तेल में छोड़ दें। खड़े मसाले भून के तैयार हो गए हैं। अब फाइनली चॉप किया हुआ एक कप प्याज इसमें हम डाल देते हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, पूरी तरीके से इसको भून के जलाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना है। जब लाइटली गोल्डन ब्राउन होने लगे उस स्टेज में हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और टोमेटो प्यूरी डालेंगे। ढाबे वाले खाने के लिए गला हुआ प्याज अच्छा नहीं होता, उसके लिए हमें एक प्याज में थोड़ा सा क्रंच चाहिए। अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसमें 2 मिर्च तोड़ के डाल देते हैं, थोड़े से लहसुन, थोड़ा अदरक, इनको अच्छे से कूटेंगे हम, दरदरा बारीक कूट लेंगे। ढाबे वाले खानों में मिक्सी का यूज नहीं होता है। ढाबे के खाने में ज़्यादातर अदरक लहसुन और मसालों को इमामदस्ते में कूट के उपयोग किया जाता है। दरदरा बारीक होना चाहिए मसाले, जब बारीक आप पीस देंगे एकदम मिक्सी में तो फिर वो ग्रेवी हो जाएगी। एक छोटा टमाटर ले लेते हैं और उसके स्लाइसेस करके मिक्सी में एक आधा कप के करीब टोमेटो की फाइन प्यूरी बना लेते हैं। उस टमाटर की प्यूरी करेंगे,
प्याज इधर धीरे धीरे हमारा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसमें हमने नमक नहीं डाला, नमक डाल देने से प्याज गल जाएगा और वो ढाबे मसाले में वो प्याज का हमें क्रंच चाहिए, जूसी प्याज नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा देखिए अब तैयार होने को आ गया है प्याज, एजेस धीरे धीरे ब्राउन होने लगे हैं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देते हैं एक चम्मच के करीब और इसको थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा जलाना नहीं है मसालों को इनको। टमाटो प्यूरी को मिला देते हैं हम, थोड़ा सा भूने। टमाटो प्यूरी को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हल्की आंच पे हम इसमें अपने थोड़े बेसिक से मसाले ऐड करेंगे और उन मसालों को ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मसालों को ज़्यादा पका देंगे मिर्ची जल के काली हो जाएगी, सारी ग्रेवी का कलर ख़राब हो जाएगा। हल्की आंच पे इनको भूनते रहें, प्याज वो लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा धीरे धीरे। अब इसमें हम हल्दी मिला देते हैं, लाल मिर्च का पाउडर मिला देते हैं, थोड़ा धनिया पाउडर। इन मसालों को चला लें, इन मसालों को ऐसे ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, नहीं तो लाल मिर्च जलेगी और सारा ग्रेवी का कलर ख़राब करेगी। बस बेसिक मसाले हमारे तैयार हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी 1 कप के करीब और पानी के साथ इस मसाले को थोड़ी देर पकाएंगे, जिससे लाल मिर्च जलेगी नहीं और ग्रेवी का कलर रेड रेड ही रहेगा। साबुत लाल मिर्च डाल देते हैं, ये फिनिशिंग के टाइम पे अच्छे कलर आएंगे। आप इसको बाद तेल में भी डाल सकते हो शुरू में, बट तेल में डालने पे ये मिर्ची का कलर थोड़ा ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ ना डाल के अभी मसाले के साथ डाला है। भूनते रहें इसको थोड़ी देर के लिए। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें। पनीर मसाला जो हमने बनाया था 1 टेबल स्पून उसका ऐड करते हैं। ये पनीर मसाला ही है, बेसिक रेसिपी है पनीर मसाले की। आप इसको किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन में यूज़ कर सकते हैं, अंडे में यूज़ कर सकते हैं, पनीर में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ढाबे वाला मसाला बनाए उसमें, चाहे चिकन हो, चाहे अंडा हो, चाहे पनीर हो, ये बेसिक से मसाले सभी में पड़ते हैं ढाबे वाली स्टाइल के लिए। ग्रेवी हमारी धीरे धीरे पक के लगभग तैयार है मसाला। ये ग्रेवी को कुक होने में 12 से 14 मिनट लगता है। इस स्टेज पे हम अपना पनीर फ्राई किया हुआ मिला देते हैं और इनको अच्छे से मिक्स करते हैं धीरे धीरे। पनीर का भुर्जी नहीं बनानी है, ढाबा पनीर मसाला बनाना है। हल्के से मिक्स करें इसको, धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए इसको पकने दें। हल्की आंच पे पकने दें 2 से 3 मिनट के लिए। हल्का सा पानी का टचअप देंगे इसको, जिससे मसाले को जलने न पाए और मसाले की कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। क्या अच्छा सा कलर है इसका, स्वाद भी उतना ही लाजवाब है। कभी आप ट्राई करके देखें, ढाबा चल के घर आ जाएगा आपको इस रेसिपी के खाने के बाद। अब थोड़ी सी फिनिशिंग के लिए हरी मिर्च तोड़ के डाल देते हैं। वो जो है तैयार हो गया पिताजी, मेरे एकदम ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। ये रेसिपी आप अपने घर पे जरूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आइए इसको सर्व कर लेते हैं सर्विंग प्लेट में। प्लेट में निकाल लें करछी की सहायता से धीरे धीरे। पनीर के ऊपर बैठाते हैं महाराज हरा धनिया को।
किसी भी खाने की रंगत, कलर और खुशबू बढ़ाने के लिए हरा धनिया, ताजगी डालने के लिए हरा धनिया किसी भी खाने के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़े से अदरक के पीसेस के साथ तैयार है अपना ढाबा स्टाइल पनीर मसाला, एक बार ज़रूर बनाएं। नमस्कार।